टू थाउजेंड ट्वेंटी आज हम नीट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैंने आज इन्वाइट किए हैं एक हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मैं यहां पर उनके नेम और इंस्टीट्यूट का नाम तो डिस्कलोज नहीं कर सकती हूँ सो so, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सो स्टूडेंट वी आर लुकिंग फॉर द रोंग स्टेटमेंट ऑप्शन को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है

सेकेंड ऑप्शन इज हायर प्रोटोन कॉन्ट्रेशन एल्वियोलाय फेवर्सेशन ऑफ ऑक्सी हायर कॉन्सेंट्रेशन कहा पूछ रहा है प्रोटोन्स की एल्वियोलाय में पूछ रहा है ओके okay? एल्वियोलाय में ऑक्सीजन बाइंड करता है ह्यूमोग्लोबिन के साथ और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है एचायंस की तो ये फेवर में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एच हाँ आयंस का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों की बाइंडिंग को ब्रेक करता है ओके थर्ड ऑप्शन लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कि लो पीCO2 इन एल्विओलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये भी राइट right स्टेटमेंट है क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड होता है नेक्स्ट ऑप्शन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हिमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ओटू ये बिल्कुल अगर ओटू हिमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो पार्शल प्रेशर इनक्रीज करेगा तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है यहां पर हम रोंग स्टेटमेंट चूज कर रहे थे रोंग स्टेटमेंट इसमें दिया है टू तो आंसर इज टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम विच हैव

आइलैंड so, की बात हो रही है आइलैंड ये नेचुरल बने थे इनमें हमारा कोई रोल नहीं है हरबीसाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स यस ये हमने ही बनाया है हम बहुत सारे पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स यूज करते हैं जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट बने हैं तो ये राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंट यूकेर यस यू कैरियर ड्रग किसी भी डिजीज के लिए कोई भी ड्रग ही ने इवॉल्व की है ह्यूमन ने ही इवॉल्व की है तो ये भी राइट ऑप्शन है मैन क्रिएटेड uh, breeds of domesticated animals like डॉग जैसे आप देख सकते हो इसमें भी बहुत सारे ऐसे आज आप uh, कई की देख सकते हो जो कि कई सारे जीन्स मैनिपुलेशन के थ्रू और मिक्सिंग के थ्रू बनाई गई है जो ये भी एक करेक्ट आंसर है तो स्टूडेंट इसके आंसर होगा टू यानि कि बी एंड सी एंड डी ओके सो आंसर इज टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें ओके

के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो जो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सामने ये हॉर्मोन्स हैं और फाइटो हॉर्मोन्स इनको हम बोलते हैं प्लांट हॉर्मोन्स ठीक है और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो कि इनहिबिटरी नहीं है ठीक है इनहिबिटरी नहीं है का मतलब जो सी डोरमेंसी कॉज नहीं करता है तो जब आप एन देखोगे तो वहां पे आप देखोगे की जिब्रेलिक एसिड को ऐसा बोला गया है कि जिब्रेलिक एसिड सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है ठीक है तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हॉर्मोन यहाँ पर आंसर होगा ठीक है और इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा फोर जिब्रेले कैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग द विदिटिव ऑर्गेनिज्म करेक्ट करेक्ट ऑप्शन सो वी आर लुकिंग फॉर द अगेन करेक्ट ऑप्शन सो कॉलम वन में दिए हैं सारे डिजीज नेम्स एंड कॉलम टू में दिए हैं सारे ऑर्गेनिजम्स नेम्स ओके सो अगर हम टाइफॉइड को देखें तो टाइफॉइड किसके वजह से अः uh, कॉज होता है कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है साल्मोनेला ओके साल्मोनेला पर अगर हम टिक करते हैं तो ए का हो गया थर्ड ओके okay? और यहाँ देखो ऑप्शंस कितने इजी बनाए हैं कि जैसे ही हमने टाइफाइड को मैच किया वैसे ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वन ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन की बात हो रही है स्टूडेंट यानी कि ब्रीदिंग पर तो अगर हम जाए तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइफ्राइम होगा येस बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट इंस्पिरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डाइफ्राइम होता है बी ऑप्शन क्या है दैट इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यस जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिब्स जो है मूव करेंगे आउटवर्ड ओके सो ये भी राइट right ऑप्शन uh, है तो अभी तक हमें दो करेक्ट इवेंट uh, uh, मिल चुके हैं थर्ड क्या है दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस नहीं पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो, तो, uh, हो, uh, हो रहा है तो जो रिब्स है वो मूव हो रही हैं एंड डायफ्राम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो वॉल्यूम है लंग्स की जो वॉल्यूम है वो कैसी हो रही है वो इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा नेक्स्ट देखते हैं दैट इज फोर्थ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज बिल्कुल भी गलत है अगर वॉल्यूम किसी भी चीज का इंक्रीज इन, होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये भी इवेंट कैसा हुआ इवेंट uh, है तो आंसर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा ए एंड बी इज अ राइट आंसर तो फोर्थ इज अ राइट आंसर ओके अगला क्वेश्चन जो है वो फोटो चैप्टर से है uh, यहाँ पर एक टॉपिक होता है फोटो रेस्पिरेशन जहाँ पे रुबिसको और इस टॉपिक में रुबिसको ऑक्सीजनेज़ एक्टिविटी देखी जाती है meaning, रुबिस्को के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो आपको जिसमें वो ऑक्सीजन को ऐड करता है और एक्टिविटी से ये प्रोसेस चलती है जो कि प्लांट के लिए एक हार्मफुल प्रोसेस है एक वेस्टफुल प्रोसेस है इसके पाथवे में जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है पीजीए ठीक है थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और पीजीए जो है एक तीन कार्बन का कंपाउंड है तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब चलेगी और फोटो रेस्पिरेशन होगा तो उससे कैसा कंपाउंड बनेगा आंसर होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड ठीक है और कौन सा है वो कंपाउंड ये थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ठीक है आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सिक्स्थ का हो गया वन सेवेंथ ये भी फोटोसिंथेसिस से है लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन का ये क्वेश्चन है यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन जिसको पी क्यू शॉर्ट में बोला जाता है ठीक है जो कि क्विनोन है और इससे पूछा गया है कि पी क्यू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मतलब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को कहा से कहा जाने में हेल्प करता है ठीक है तो जब आप लाइट रिएक्शन का डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइट रिएक्शन जो होती है वो शुरू होगी पीएस टू से ठीक है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे पहले प्लास्टोक्विनोन के पास और फिर वहां से जाएंगे साइटोक्रोम बी सिक्स एफ के पास ठीक है तो आप आसानी से देख सकते हो ये आपको मिल जाएगा किसी भी बुक में आप देख सकते हो ठीक है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स तो ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है तो ये वाला ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है पी एस टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्लास्टो कराता है ठीक है तो आंसर हो गया फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस

qrs कॉम्प्लेक्स वो रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकल्स को सो so आंसर इज 2 यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंटिकल्स को रिप्रेजेंट करता है ओके okay? और इसी के थ्रू हम qrs कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम चेक कर सकते हैं कि वन मिनट में किसी भी पेशेंट की कितनी हार्ट रेट है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन यस क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम from... प्लांट रिप्रोडक्शन यहाँ पे ये यह पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शन दो जनरेशन देखने को मिल रही है एक के अंदर एक अदर ये ऑप्शन जो दिए गए हैं ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाला था यहाँ पे आप देखोगे आप अलग अलग टीचर से बात करोगे तो आपको इसमें दो पॉसिबल अप्रोचेस देखने को मिल सकते हैं मेन जो यहाँ पे यूज हुई है जो ज्यादातर आपको आंसर मिलेगा अभी वो यूज हुई है स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमिटोफिटिक जनरेशन वाला अप्रोच तो स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं तो स्पोरोफाइट होता है वो पार्ट प्लांट का या वो स्टेज लाइफ साइकिल की जहां पे स्पोर्स बनते हैं तो फ्लारिंग प्लांट में जो हम देखते हैं पॉलन ग्रेन वो स्पोर होता है ठीक है माइक्रोस्पोर बोलते हैं उसको तो वो गेमिटोफाइट बनाता है आगे जाके ओके तो स्पोरोफाइट के अंदर गेमिटोफाइट ये हमको यहाँ पे देखना है तो पॉलन ग्रेन इनसाइड दी एंथर एंथर रिप्रेजेंट करता है डिप्लोइड जनरेशन को क्योंकि एंथर डिप्लोइड होता है 2n होता है पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है हैप्लोइड जनरेशन को यानी कि ये हैप्लोइड होता है ठीक है सेम वे में एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लोइड जनरेशन को और ओव्यूल

Uh, ये स्पोरोजोइड ब्लड uh, के थ्रू ट्रैवल करेंगे तक और में जाकर वहां करेंगे एंड वहां लिवर uh, uh, में ये रिप्रोड्यूस करते हैं एंड देन वहां से अगर मॉस्किटो आपको दोबारा बाइट करता है तो वो गेमेटोसाइट्स को लेकर जाता है ओके okay? तो गेमिटोसाइट बॉडी से लेकर जाएगा और आपकी बॉडी में end, दे कर क्या जाता है वो अगर फर्स्ट टाइम आपको एनाटॉमी तो so, right so, है, है से और यहाँ पे आप प्लांट एनाटॉमी में जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हो तो वहाँ पर वुड के क्लासिफिकेशन आते हैं और वहां पर बताया जाता है हार्ट वुड और सैप वुड ठीक है हार्ट वुड जो होता है वो सेकेंडरी का इनर रीजन होता है जो कि डार्क कलर का हो जाता है उसमें कंडक्शन बंद हो जाता है और बहुत सारी चीजें उसमें डिपॉजिट हो जाती है उसको हम हार्टवुड बोलते हैं और जो पेरेफेरल रीजन होता है उसको हम सैप वुड बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सैप वुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स विच इज ट्रू द इनर मोस्ट करेक्ट है बट इनर मोस्ट नहीं होता है एक्चुअल में सैपवुड जो है वो पेरिफेरल यानी कि आउटर साइड पर होगा इनर साइड पर हार्टवुड होती है इसीलिए ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ ओके सो पेंगुइन एक बर्ड है एंड डॉल्फिन एक एक मैमल है तो यानी कि दोनों का ओरिजिन बिल्कुल अलग-अलग है तो ये एग्जांपल होंगे

और इस जीन के तीन आई ए एक होता है आई बी और एक होता है जिसको आई भी बोलते हैं कई बार स्मॉल आई भी बोलते हैं ठीक है तो ये तीन एलील्स होते हैं अब इस ब्लड ग्रुपिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है सबसे पहला ए पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ थ्री एलील्स विच इज ट्रू बिकॉज हम दो ही क्रोमोजोम हमारे पास हर पेयर में होते हैं और उन पे हम दो ही एलील कैरी कर सकते हैं तो भले ही चाहे जीन के कितने भी एलील एग्जिस्ट करते हो हमारे पास एट, एट दो ही होंगे तो यहाँ पे गड़बड़ है बिकॉज वी नो आई एंड आई बी शो समिनेंस ये भी आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो आई ए और आई बी दो है जो है वो कोडोमिनेंस शो करते हैं और ये दोनों अपनी सेपरेट शुगर्स बनाएंगे सेम शुगर नहीं बनाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट शुगर्स बनाएंगे इसीलिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर ओके कॉर डेटा की बात हो रही है स्टूडेंट हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है फर्स्ट ऑप्शन इज इन यूरो कॉर डाटा नोटोकॉट एक्सटेंड फ्रॉम

पीरियड ओनली तो स्टूडेंट हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें सारे वर्टिब्रेट्स हैं ओके जिसमें जैसे एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा भी प्रेजेंट है ओके okay? तो जैसे साइक्लोस्टोमेटा में अगर हम देखें तो उसके एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है नोटोकॉड ओके okay? और ये दोनों के लिए ही प्रेजेंट होगा वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में भी प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट देयर लाइफ भी प्रेजेंट होती है ठीक है फिर आता है नेक्स्ट दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो बिल्कुल सही है ये भी स्टूडेंट so, इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल ही गया क्योंकि सभी ऑप्शन में आप देखो सिर्फ दो दो ऑप्शन पूछे गए हैं चलिए फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इन टू सब फाइला हेमिकोडेटा ट्यूनिकेटा एंड सिफेलो लेकिन हेमी कॉर डेटा इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों जैसी सिमिलरिटी शो करता है फीचर शो करता है दैट्स वाई हेमिकॉर डेटा का खुद अलग एक फाइलम प्रेजेंट है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट बी एंड सी इज अ राइट आंसर सो थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन माइंड आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज ओके डायबिटीज मिलाइटिस के लिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट सो डायबिटीज मिलाइटिस के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडी का अगर हो और

ट्रांसलेशन के लिए पूछा गया है कि ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज क्या होता है यहाँ पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है बिकॉज एनसीईआरटी uh, ने ट्रांसलेशन पे पढ़ाया हुआ है वहां पे उन्होंने बोला है कि फर्स्ट फेज जो है ये होना चाहिए बाइंडिंग ऑफ एम आर एन ए टू राइबोसोम ट्रांसलेशन की शुरुआत जो है एम आर एन ए की राइबोसोम से जुड़ने पे ही होती है बट अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस को एज अ होल देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस के तीन मेजर स्टेप्स होते हैं पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड दूसरा होता है ऑफ और तीसरा होता है ट्रांसलेशन ठीक है अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन ही पूछा हुआ है तो इसीलिए मेरे हिसाब से आंसर इसका ये जाना चाहिए बट ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने अम्यूनो एकाइलेशन ऑफ टी आर ने को आंसर दिया हुआ है तो टू और फोर में से अभी कंफ्यूजन है आगे जब एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी देखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 18 मॉर्फोलॉजी से है इसका ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था इसमें इनफीरियर ओवरी इसका आंसर होता है इनफीरियर ओवरी का मतलब हो गया ओवरी जिसका लेवल बाकी के फ्लोरल पार्ट से नीचे हो जिसका प्लेन जो है बाकी के फ्लोरल पार्ट से नीचे हो तो ये जो है आंसर होगा इसका इसमें कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है तीसरा क्वेश्चन नाइनटीन क्वेश्चन जो है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लैग फेज सेनेसेंस डोरमेंसी एंड लॉग फेज तो आप जानते हो हमेशा लॉग फेज का एक दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंशियल फेज एक्सपोनेंशियल फेज क्योंकि वहां पे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है तो इसीलिए नाइनटींथ का आंसर होगा लॉग फेज बिकॉज लॉग फेज में हमको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी एक्सपोनेंशियल फेज में

fibrous root is the answer jayega question number 21 in water hyacinth and water lily pollination takes place by to so, water hyacinth and water lily jin logon ko idea nahi hoga wo isme water se related koi option tick कर, करेंगे But originally ये जो plants हैं ये special होते हैं क्योंकि इनका habitat water में होता है but इनका pollination insect या wind से होता है तो so, इसका आंसर होगा फोर insects और विंड्स क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपको मिलेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताया गया है वहां पे आप देखोगे प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट इस तरीके से स्टेप्स होते हैं और उसमें एक स्टेप आता है जहां पे हम मटेरियल को एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम के एक टैंक में डाइजेशन के लिए भेजते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है तो ये आपको मिलेगा इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज ठीक है एक्टिवेटेड स्लज को भेजा जाता है एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट 23 23 में पूछा है बायलैटरल बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जांपलीफाइड बाय सो यहाँ पूछ रहा है क्या बायलैटरल बायलैटरल सिमेट्री और एसिलोमेट एनिमल्स के बारे में पूछा है तो प्लेटी हेलमिंथस जो कि बायलैटरल सिमेट्री भी है एंड uh, इनका सिलोम कैसा होता है स्टूडेंट प्लेटी हेलमिंथिस एसिलोमेट होते हैं तो आंसर हमें यहीं पर मिल गया है दैट इज फर्स्ट आंसर ओके और एसकेलमिंथस अः uh, वाले होते हैं एनेलिड्स स्टूडेंट सीजोसिलोम मिलता है इनमें

पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर होगा लाइसिन लाइसिन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड या बेसिक अमीनो एसिड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 25 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दो फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव यहाँ बात हो रही है उन विमेन्स की जो कंसीव नहीं कर सकते हैं ओके okay? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर है फोर्थ एंड यानी कि ट्रांसफर जिसमें हम लेस देन एट सेल्स ब्लास्टोमेयर को ट्रांसफर करते हैं एंड अगर मोर देन करना हो मोर देन एट सेल ब्लास्टोमेयर करना हो तो हम जाते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के लिए दैट इज आई यू सो आंसर हुआ दैट इज फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपको मिलेगा सेल बायोलॉजी में यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज आर इनकरेक्ट तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शंस को देखते हैं ऑप्शन नंबर वन इज दीस आर इन्वॉल्वड इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स यहीं पे ये गलत हो गया देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इंक्लूजन बॉडीज एंड फूड पार्टिकल्स इंजेक्शन के लिए इंक्लूजन बॉडीज का कोई रोल उसमें नहीं है बाकी के दे लाइ फ्री इन द साइटोप्लाज्म करेक्ट ऑप्शन

ऑप्शन फर्स्ट अगर हम, हम देखें तो इसमें है गोनोरिया मलेरिया मलेरिया मिल गया यानी कि ये रॉन्ग आंसर है हम एस टी डी देख रहे हैं सेकेंड ऑप्शन है एड्स मलेरिया अगेन दोनों ही एस टी डी नहीं है एच आई वी एस टी डी डिजीज है थर्ड तो ऑप्शन कैसा है? ये STD disease नहीं है but AIDS और syphilis, STD disease में आता है. तो ऑप्शन क्या बचा फोर्थ यस गोनोरिया और जेनाइटल हर्पीज दोनों ही ये तीनों ही कैसी हैं एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो राइट आंसर इज फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट इट इज ऑल अबाउट विच इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ट्वेंटी नाइन में पूछ रहे हैं ओके okay? फर्स्ट द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड सी पेप्टाइड सही ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन एंड बी चेन लिंक बाई हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं डाईसल्फाइड बॉन्ड से लिंकड होते हैं ओके तो आंसर हमें यही मिल गया हम नॉट करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो ऑप्शन क्या हो गया दैट इज सेकेंड ओके और अगर हम थर्ड और फोर्थ को भी देखें तो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इक्वल बिल्कुल सही है इन मैन इंसुलिन इज इंथिस प्रो इंसुल वो भी बिल्कुल सही है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 और बीटा सेल्स में होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेल बायोलॉजी से है फिर से विच ऑफ दिच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिट्स इन यू कैरियोटिक सेल्स तो आप गोल्ची बॉडी में ये पढ़ोगे गोलजी बॉडी इज द साइट ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स जोड़ी जाती हैं प्रोटीन और लिपिड्स में तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है गोल्जी बॉडीज काफी इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और यहाँ पर दो कॉलम्स को आपको मैच करना है ये चैप्टर के हिसाब से देखें तो ये इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है बट इसको आप दो ऑप्शन से ही करेक्ट कर सकते हो सबसे पहला ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिकम जो है नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ब्यूटाइरिक एसिड सिंथेसिस करता है दूसरा ये फंगस है एस्पर्जिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करती है आप इन दोनों को खाली देख सकते हैं एक आपको टू ढूंढना है और डी का थ्री ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट किसने डिसूव किया था फर्स्ट ऑप्शन option है ऑप्शन है एल्फ्रेड वॉलिस एल्फ्रेड वॉलिस ने स्टूडेंट बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दिए थे तो ये तो बिल्कुल ही अलग है चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन में बिजी थे ओपेरन इनऑर्गेनिक थ्योरी यानी केमिकल इवोल्यूशन दिया था एंड फोर्थ है देर वेन बियर यस yes, वेन बियर ने ही एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को डिसप्रूव किया था नेक्स्ट क्वेश्चन ये है uh, बायोटेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन द सिक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डी एन ए इन द वैक्टर इज टर्म स्टूडेंट ओर आई साइट ओराई साइट के दो वर्क होते हैं एक so, तो

इनमें खास बात ये होती है कि इनके पास कैप्सिड नहीं होता मीनिंग प्रोटीन कोट इनके पास एबसेंट होता है और ये RNA, इनका विदाउट द प्रोटीन कोट तो थर्टी 34 का one हो गया 35 Montreal protocol प्रोटोकॉल ये आपको मिलेगा इकोलॉजी में और यहाँ पे Montreal प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को के एमिशन को रोकने या कंट्रोल करने को लेके था तो यहाँ पर थर्टी फाइव का ऑप्शन नंबर वन आंसर होगा अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्टोराइलेशन जिनको शॉर्ट में एस भी कहा जाता है इनके बारे में पूछा गया है वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने एस होते हैं अगर आपने सेट्रिक एसिड साइकिल देखी है तो उसमें आपको पता चलेगा सिर्फ एक जी बनता है इन वन टर्न और जो जीटीपी बनाने वाला स्टेप है वही स्टेप है एस का वहां पर डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा है तो इसीलिए वन टर्न में आंसर होगा वन एस एल पी

भी नहीं फिर है थर्ड लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच बिल्कुल भी नहीं फॉलिकल्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स लो होना ओविलेशन uh, नहीं कराता है द uh, फोर्थ है दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हिस्ट्रोजन तो इसका आंसर होगा फोर्थ बिकॉज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हिस्ट्रोजन अगर होगा तो वो एलएच को की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और एलएच की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो ओवुलेशन

माइक्रोविलाई यानी कि एब्जॉर्पन uh, uh, के लिए प्रेजेंट है तो अगर हम ऑप्शंस को देखें स्टूडेंट दैट इज ग्लैंड की बात हो रही है में नहीं होते हैं सेकंड है पीसीटी यानी कि अप्रॉक्सिमेट कॉन्व्यूलेटेड नेफ्रॉन बिल्कुल राइट right आंसर है क्योंकि पीसीटी में एक दो फंक्शन होते हैं एक तो री होता है और भी होता है, है? ठीक तो इसका राइट right आंसर होगा ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर स्नो ब्लाइंडनेस जहाँ पर ओजोन की बात करी है ओजोन होल की बात करिए वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेज की बात करी, करी गई कि क्या नुकसान होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के और उनमें से एक नुकसान है स्नो ब्लाइंडनेस जिससे हमारे आईज को इम्पैक्ट होता है कॉर्निया का डैमेज होता है तो इसीलिए आंसर होगा वन इन्फ्लमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन 40 का आंसर होगा वन 41 वन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलर एलगी तो यूनिसेलर एलगी जो है आपको सीधा सीधा सिलेक्ट करना है क्लोरेला एंड स्प्रिलीना ये दोनों ही होते हैं इनमें आप ये सोच सकते हो कि स्प्रिलीना एक ब्लू ग्रीन एलगी है बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें यूनिसेलर पूछा गया है तो ये दोनों ही उसमें फिट बैठते हैं क्लोरेला एंड स्प्रिलीना क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट एनाटमी यहाँ पे बोला गया है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स सबसे पहला फीचर ही सबसे मेन है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है पूरे स्ट्रक्चर में इधर उधर फैले हुए हैं और उनको बंडल शीत कवर करती है हर वैस्कुलर बंडल को कवर करने के लिए एक बंडल शीत प्रेजेंट है बाकी के ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो बट इससे आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले से ही इसका आंसर होगा मोनोकॉट स्टेम मोनोकॉर्ट स्टेम में बाकी के पॉइंट्स भी फुलफिल होते हैं जैसे कि इसमें लार्ज कॉन्स्पिक्यूस पेरन ग्राउंड टिश्यू है वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज टाइप के हैं फ्लोएम पेरन एब्सेंट है इन सब को भी मोनोकॉट स्टेम फुलफिल करती है तो 42 का आंसर होगा फोर क्वेश्चन नंबर 43 थ्री हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज पेयर्स विच वॉज सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स

प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग वेराज की रिक्वायरमेंट थी जिससे वो सभी के क्रोसेस करा सके तो उसको हर कैरेक्टर के लिए दो ट्रेड्स थे इसीलिए उसको फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी बनानी पड़ी थी तो यहाँ पर आंसर होगा सेकेंड फ्लोरिडियन स्टार्च ये आपको मिलेगा रेड एलगी में फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रेड एल्गी का रोडोफाइसी का स्टोरेज मटेरियल होता है और ये सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटर ठीक है यहाँ पर हमें जीवन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस दूसरा ऑप्शन सेल इज एक्टिव ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए थर्ड न्यूक्लियर डिविजन टेक्स प्लेस फोर्थ डीएनए सिंथेसिस और रेप्लीकेशन टेक्स प्लेस हम जानते हैं न्यूक्लियर डिविजन एम फेज में होगा डीएनए सिंथेसिस

जिसको ईव्स और मेरिनो रैम्स की क्रॉसिंग से बनाया गया है तो यहां पर आंसर उसमें क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर ये दिया हुआ है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनिटी ओके इम्यूनिटी का रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है स्टूडेंट ऑप्शन ए व्हेन रेडी मेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिव इन इट इज कॉल्ड पैसिव इन इम्यूनिटी राइट अगर आप रेडीमेड यूज कर रहे हो तो वो पैसिव इम्यूनिटी में आएगा ओके एंड सेकंड इज एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पांस। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन रॉन्ग uh, है क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम अराउंड सेवन डेज टाइम लेती है पहले आइडेंटिफाई uh, करेगी फिर उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करेगी तो इस टेक लिटिल टाइम सो ऑप्शन स्टेटमेंट पूछा है तो सेकेंड इज अ रोंग स्टेटमेंट फिर भी हम नेक्स्ट टू देख लेते हैं फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेसिमिटी ये राइट स्टेटमेंट है आई जी जी

इको आर्बन जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसा कि आपको पता होगा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस के पास में कट करते हैं मीनिंग जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस के पास में लोकेटेड होती है ये क्वेश्चन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस पता करने का नहीं है ये क्वेश्चन है इको आर वन की कौन सी पैलेंड्रोमिक साइट है उसको पता करने का तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी ये वाला सीक्वेंस इसका करेक्ट आंसर है यू कैन चेक दिस इन द बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ये मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताया गया है कि बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है और बेस स्फीयर्स का टोटल नंबर मेमडियन सेल में 6.6 10 9 बेस स्फीयर्स है और इसके हिसाब से लेंथ निकालनी है वैसे तो इसकी लेंथ अलग से दी हुई भी है और चाहो तो आप यहां पर कर भी सकते हो 0.34 10 -9 मीटर्स होंगे ये मल्टीप्लाई दिस बाय 6.6 10 9 दिस विल कैंसिल 0.34 multiplied by 6.6 you will get 2.2 meters तो इसके दोनों तरीके थे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और अलग से ये दिया हुआ भी है 2.2 मीटर्स तो सेकंड इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इफ है कॉकरोच चैप्टर से इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज़ तो ये अगर आप कॉकरोच के चैप्टर में उसका नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो आपको वहां मिल जाएगा कि एक काफी टाइम तक इसलिए अलाइव रहेगा बिकॉज जो कॉकरोच है उसका जो नर्वस सिस्टम है उसका बहुत छोटा सा पार्ट उसके हेड में प्रेजेंट होता है रेस्ट ऑफ पार्ट उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है ठीक है इसीलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है ऑप्शन ए है द कॉक्रोच नॉट हैव नर्वस सिस्टम रॉन्ग है हेड होल्ड होल्ड्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी हमें आंसर यहीं पर मिल गया है फिफ्टी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ओके okay?

वो ग्रास का होगा दूसरा ट्रॉफिक लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर का जो कि हरबी वोर होना चाहिए तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा रेबिट का थर्ड ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर होगा क्रो का और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर होगा वल्चर का तो यहाँ पर आप अब आंसर चेक कर सकते हो आपको ए का मिलना चाहिए टू पी का मिलना चाहिए थ्री सी का मिलना चाहिए फोर और डी का मिलना चाहिए वन ऐसा आंसर है ऑप्शन नंबर फोर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है 52 टू द एंजाइम इंटेरोकाइनेस हेल्प हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ तो स्टूडेंट इंटेरोकाइनेस जो एंजाइम है इट इज सिक्रेटेड बाय डुओडेनम ओके और ये एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंड देन आगे का डाइजेशन शुरू होता है तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर इज

इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो कि रॉन्ग आंसर है स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप आउटर से इनर मोस्ट स्टडी करोगे तो सबसे इनर मोस्ट जो प्रेजेंट होती है दैट इज म्यूकोसा सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इलियम इज अड पार्ट पार्ट इट इज इलियम हाइली कॉइल्ड पार्ट होता है फिर है थर्ड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डूड बिल्कुल गलत है क्योंकि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम सीकम, ओके एंड फोर्थ इलियम ओपन्स इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन रॉन्ग आंसर है इलियम ओपन किस का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है तो आंसर क्या हुआ दैट इज इलियम इज हाइली कॉइल्ड पार्ट आंसर टू

द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन इनजाइम ओके रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है स्टूडेंट अबाउट रेस्ट्रिक्शन चलो स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑप्शन स्टैंड ऑफ डी एन एट अ पेलेंट रोमिक साइट ये बिल्कुल सही है जो की अभी आपको थोड़ी देर पहले सर ने एक्सप्लेन भी किया था सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन है दे आर यूजफुल इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग येस बिल्कुल राइट right.

कॉम्पिटेटिव इनिबिशन पढ़ोगे तो वहां पर आपको मेलोनेट का एग्जाम्पल मिलेगा ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इनिबिटर होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं प्रोटीन में तो इनमें से आपको प्रोटीन चूज करना है जो कि है कोलाजिन फंगाई के अंदर उसकी सेल्बॉल को बनाने वाला होता है काइटिन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपको मिलेगा राइसिन तो यहाँ पर ए का होना चाहिए टू ऐसे दो ऑप्शन है बी का होना चाहिए फोर ए का टू बी का फोर ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन फोर यहाँ पर हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट दैट इज 57 गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर

टिश्यू से ही अभी तक तीन क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में आपको मैच द फॉलोइंग देखना है स्टूडेंट कॉलम ए में दिया है 6 टू 15 पेयर्स ऑफ गिल्स लिट्स अगर हम इसे कॉलम नंबर सेकंड से मैच कराते हैं तो ए का आंसर होगा सेकंड दैट इज साइक्लोस्टोमर्स ओके सेकंड बी कॉलम ए में बी ऑप्शन है दैट इज हेट्रो सर्कल कॉडल फिंस मतलब जो टेल पार्ट है जो वहां पर जो फिंस प्रेजेंट है वो इक्वल नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रो सर्कल कॉडल फिंस और इसका आंसर होगा कॉन्ड्रीस ओके एयर ब्लेडर की अगर हम स्टूडेंट बात करें अगर इन दोनों से ही अगर हम मैच करके देखें स्टूडेंट तो का सेकेंड

लास्ट का वर्ड नहीं पढ़ा ये आपसे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है डीएनए को ओपन करना ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एनसीआरटी लिखती है आरएनए पॉलीमरेज ओपन्स डीएनए हीलिक्स ये आप देख सकते हो मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में तो इसका आंसर होगा आरएनए एन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर वन लगाया है ये होता है डीएनए रेप्लीकेशन के टाइम पर आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन थ्री विच करेक्ट क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन सिंपल है आप सब जानते हो ए और टी की बॉन्डिंग होती है और ये जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं तो एडनीन बॉन्ड्स विद थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड रॉन्ग एडिनिन बाइंड्स विद थायमिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स रॉन्ग एडनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन रॉन्ग फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट पेयर्स विद थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स 61 का आंसर होगा फोर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ़ द ग्लोब हाईएस्ट हाइएस्ट डाइवर्सिटी पहली बात देना है वर्ल्ड मतलब में सबसे कहाँ पर मिलती है हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो बायोम में है जहां पर सबसे ज्यादा डायवर्सिटी देखने को मिलती है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सीधा सीधा नहीं दिया गया है बट ऑप्शन थ्री को आप देखोगे एमेजोन फॉरेस्ट विच इज ऑल्सो दंग ऑफ द प्लान इट इज अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो यही है आंसर इस क्वेश्चन का ओके स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 63 मैच द फॉलोइंग चेक करना है करेक्ट ऑप्शन चेक करना है कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर टू दिए हुए हैं कॉलम फर्स्ट में पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड और जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम करेक्टली मैच करेंगे तो इसका आंसर होता है डायबिटीज इंसिपिडस मतलब हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच ओके ओके सेकंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड का करेक्ट मैच है ग्रेव्स डिजीज मींस हाइपर ऑफ टी थ्री टी फोर हॉर्मोन थर्ड है दैट इज एड्रेनल ग्लैंड स्टूडेंट ग्लैंड से आपको फोर्थ कॉलम करेक्टली मैश मिलेगा जो कि है डिजीज जिसमें ऑफ एडिस एंड ग्लूको कॉर्टिकॉइड होता है पेनक्रियाज पेनक्रिया से डायबिटीज मेलाइटिस जो कि आपको सभी को पता होगा तो अगर इसे करेक्टली हम देखें तो पिट्यूटरी से मिला हमें थर्ड ओके okay, थायराइड से हमें मिला फर्स्ट एड्रेनल ग्लैंड से फोर और पेनक्रिया से मिला डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड तो आंसर इज इसका हो गया सेकंड आंसर 63 का सेकंड आंसर इज राइट 64 द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट इज इस पर भी कुछ हद तक लोग कंफ्यूज्ड हैं हालांकि होना नहीं चाहिए ये जो क्वेश्चन है ये नाइट्रोजनिस एंजाइम के रिएक्शन की बात कर रहा है रिएक्शन जो है वो जब आप देखोगे एनसीईआरटी में ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको मिलेगा इसमें आप देखोगे रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसमें प्रोडक्ट्स में आपको अमोनिया तो मिलता है उसके साथ ही आपको मिलता है हाइड्रोजन भी तो हाइड्रोजन एक बाय प्रोडक्ट है जो इसमें रिलीज होता है काफी लोगों ने यहाँ पे गलती करी हुई है उन्होंने चूज किया था ऑप्शन फोर जो कि गलत आंसर है यहाँ पर होगा अमोनिया एंड हाइड्रोजन

ऑक्सिन डायरेक्ट ना बोल के बोला गया है आई ए ए बायोसिंथेसिस एसिड जो कि एक ऑक्सिन होता है बोरॉन प्लांट रिप्रोडक्शन में भी पढ़ोगे आप और मिनरल न्यूट्रिशन में भी दिया होगा पोलन जर्मिनेशन में काम आएगा मैंगनीज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ओईसी के फंक्शनिंग में काम आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ोगे तो ये मैचेस हैं आप देख सकते हो ए का है थ्री ऐसा एक ही ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिलेगा B का 4 हो जाएगा C का 2 और D का 1 ठीक है 65 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर two क्वेश्चन नंबर 66 में स्टूडेंट चेक uh, करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंटेशन ऑफ डायरेसिस डायरेसिस की बात हो रही है स्टूडेंट या मींस इट मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रीअब्स ऑफ एन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ड्यू टू एल्डो जो कि हमें फर्स्ट आंसर ही में यहीं पर मिल गया है एल्डो स्टूडेंट रेनिन एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट uh, करेगा एंड uh, उसकी वजह से जो ब्लड है रीनल आर्टरीज़ का वो क्या हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा uh, कैसे प्रेशर इंक्रीज होगा जो रीनल आर्टरीज़ हैं उन uh, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी यानी कि उनका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ओके okay, ब्लड वेसल्स का जिसकी वजह से दो चीजें होंगी एक तो पी में जितना रिओब्जॉर्प uh, हाई हो जाएगा जिसमें एन और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा सेकेंड चीज कहा मिलेगी डीसीटी में ओके okay? एक मिली हमें पीसीटी में और दूसरी हमें कहा मिलेगी डी में जो कि दोनों ही रीनल टिब्यूल्स हैं, जो कि वाटर और एन प्लस का रीअब्सॉर्प्शन करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स का आपको राइट uh, ऑप्शन right है वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी 7 में पूछा है स्टूडेंट मियोटिक डिवीजन और सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड ओके फर्स्ट कब होती है जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पर होती है ओके एंड सेकेंड की पूछा है सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट हो रही है ओके एट द टाइम ऑफ कॉप्युलेशन बिल्कुल भी नहीं आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन हां बिल्कुल एंड थर्ड है एट द टाइम ऑफ ऑफ फ्यूजन ए स्पर्म विद एन ओवम तो ये भी राइट right आंसर है एंड फोर्थ है प्रायर टू ओवल्यूशन ये रॉन्ग uh, आंसर है तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होंगे बहुत लोगों ने आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन लगाया होगा जो कि हमें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर चूज करना है तो इसका आंसर होगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन होगा थ्री बिकॉज पहले म्यो म्योटिक डिविजन कम्प्लीट होगा म्योटिक डिविजन कम्प्लीट होने के बाद उड बनेगा ootid से स्टूडेंट uh, क्या बनेगी पोलर बॉडी uh, बनेगी और पोलर बॉडी जैसे ही बनेगी उस पोलर बॉडी में सिंगेमी होगा और सिंगेमी के बाद जाइगोट बनेगा इसीलिए इसका आंसर स्टूडेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कब होगा फ्यूजन एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम या फर्टिलाइजेशन में पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन है थ्री इज अ

विद स्टर्नम यानी कि ए का कौन सा राइट करेक्ट मैच है दैट इज फोर्थ सेकंड है एक uh, आपको मिलेगा क्लैविकल में ठीक है क्लेविकल अटैच होता है एक्रोमियोन पर फिर है स्केप्यूला स्केप्यूला आपको मिलती है लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब ओके तो और ग्लेनोइड कैविटी जो कि अटैच करती है हेड ऑफ ह्यूमरस को ओके तो आंसर इसका आपको मिलेगा फ्लो ए का फोर होना चाहिए और ऐसा एक ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का राइट है थ्री ऑप्शन सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इनका बेसिक जो रोल है वो डिफेंस का है तो दे आर मेंट फॉर डिफेंसेज प्लांट्स जो है वो भाग नहीं सकते हैं तो उनको केमिकल्स को यूज करना पड़ता है अपने डिफेंस के लिए तो यहाँ पर ये सभी कंपाउंड्स डिफेंस की तरह काम करते हैं ओके okay. क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन में अगेन यहाँ पूछ रहा है स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन अगेन आपको मैच करने हैं तो कॉलम फर्स्ट में दिया है दैट इज बीटी कॉटन और बीटी कॉटन का स्टूडेंट आंसर uh, होगा फोर्थ बेसिलस इंजेनेसिस एडीए एडीए का होगा आंसर जीन थेरेपी और आर एन ए आई का सेल्यूलर डिफेंस और पी का डिटेक्शन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन ये कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है तो आपको यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले से ही आपको आंसर मिल गया अगर आप बीटी कॉटन को कॉटन को देखोगे तो बी टी कॉटन को जैसे ही मैच करोगे वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा फोर्थ uh, यानी okay, कि सेवेंटी वन क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट सेवेंटी टू फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एल मिलर प्रोड्यूस अमाइनो एसिड मिक्सिंग ऑफ द फॉलोइंग्लास्क ओके तो उन्होंने यूज किया था मिथेन हाइड्रोजन अमोनिया एंड वॉटर वेप एट एट हंड्रेड सेंटीग्रेट ओके सो आंसर हुआ आप ये रहा फोर्थ इज अ राइट आंसर सेवेंटी टू का फोर्थ राइट आंसर होगा जिसमें है मीथेन हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 सेंटीग्रेड ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर हम पहले पर सेवेंटी uh, थ्री पर आते हैं सेवेंटी थ्री में अगेन द फॉलोइंग में अगर हम बात करें बेसिलस की bacillus, uh, की तो इसका करेक्ट मैच होगा क्राई प्रोटीन और जैसे ही आप इसको करेक्टली मैच करोगे स्टूडेंट वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा इसका राइट right आंसर होगा वन यानि कि बेसिलस uh, का फोर्थ होगा थर्मस का थर्ड होगा डीएनए पॉलीमरेज देखो राइटली करेक्ट आंसर्स आपको मिलते जाएंगे ठीक है तो इसका सेवेंटी थ्री क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया फर्स्ट तो ये भी बायोटेक का क्वेश्चन है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर

यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है पोलीमरेजिस पॉलीमरेजेस जो है वो डीएनए की चेन्स को बनाते हैं पॉलीमराइज करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेक कर रहे हैं तो गलत हो गया ये सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कट करते हैं ये भी गलत है एक्सो न्यूक्लिय मेक कट सेट स्पेसिफिक पोजिशन विदिन द डीएनए विद इन द डीएनए काम होता है एंडो न्यूक्लियसिस का एक्सो न्यूक्लियसिस एजेस पर कट करते हैं तो ये भी गलत हो गया फोर्थ इज लाइगे ज्वाइन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स तो ये करेक्ट है फोर्थ वाला लाएगी इसका काम करेक्टली दिया हुआ है फोर्थ करेक्ट ऑप्शन. बॉडी ऑफ दूलिकल ओव्यूल का स्टॉक या फ्यूनिकल से कांटेक्ट होता है वो हाइलम पर होता है तो फ्यूजन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल होगा पे. ठीक है तो हाइलम वुड बी योर करेक्ट आंसर विच इज फोर्थ ऑप्शन सेवेंटी सेवेंथ जो क्वेश्चन है यह है प्लांट किंगडम से टेरिडोफाइटा के ये सारे मेंबर्स हैं स्ट्रोबेलाई या कोस के बारे में पूछा गया है कि कौन से वाले में कोन्स मिलेंगे तो इसमें डायग्राम अगर आप देखोगे तो आप एक्विटम का डायग्राम एनसीआर में देख लो उसमें आपको कॉन्स अलग से दिख जाएंगे तो इसका आंसर है एक्विटम इसमें आपको स्ट्रोबेलाई और कोन्स आसानी से देखने को मिलेंगे ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट अगेन इसमें आपको मैच द फॉलोइंग देखना है वो भी करेक्टली मैच ढूंढने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहा होगा काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये इसमें है फर्स्ट कॉलम ए में अगर हम बात करें तो एसिनो uh, फिल्स की बात हो रही है एसिनो रिलीज करते हैं स्टूडेंट हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम काफ़ी स्टूडेंट्स को हिस्टामिन histamin और हिस्टामिनेज में कंफ्यूजन uh, हुआ होगा एसिनोफिल्स की बात हो रही है एसिनोफिल्स का राइट करेक्टली मैच होता है हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स और बेसे uh, बेसोफिल्स का राइट uh, ऑप्शन right होता है रिलीज ग्रेन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन ओके अगर हम इन दोनों ऑप्शन को मैच कर लेते हैं तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा यानी कि अगर ए का थर्ड यानी कि क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट का करेक्ट ऑप्शन इज अगर okay. so uh, okay. हिंट दूं तो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में और पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होता पी. Okay. So first है पी ओके सो फर्स्ट है ग्लिस्टरॉल और ग्लेसरोल एल्कोहल है तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया है दूसरा है cellulose, cellulose is a right, के कार्बोहाइड्रेट है lecithin, lecithin student एक lecithin एक है, है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया रॉन्ग हो गया थर्ड ऑप्शन है इन्युल और इंसुलिन इन्युल स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट है पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है और इंसुलिन uh, जो है वो एक प्रोटीन है तो करेक्टली मैच और uh, वो है सेवेंटी नाइन का ऑप्शन थ्री इज अ राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर एट्टी ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है इकोसिस्टम में आपको मिलेगा इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको शॉर्ट में जी लिखा जाता है एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको शॉर्ट में एन लिखा जाता है ऑफ एन इको सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इनके रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है पहला जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये करेक्ट है तो आंसर यही होगा सेकेंड ऑप्शन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एन द सेम नो देर डिफरेंट से हो सकता थर्ड देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी इनका रिलेशनशिप होता है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर ये आपको मिल जाएगा रिलेशन आप देखोगे तो

सी जी एची हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी में रिलीज uh, होते हैं फिर है जोना पेल्यूसेडा जोना पेल्यूसेडा जो कि लेयर है ओवम की यानी कि फीले फीमेल एग एग की एंड uh, फिर है वॉल्वो यूरेथ्रल ट्रल ग्लैंड जो कि ह्यूमन मेल में प्रेजेंट होती है जो कि लिब्रिकेशन सब्सटेंट रिलीज करती है फॉर पीनिस uh, फिर है लेडिंग uh, सेल्स जो कि है इसका आएगा फर्स्ट So, answer आपको ऑर्गेनिज्म okay, मिल मिलेगा वहाँ पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट करके एक टॉपिक है नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट ये होता है एट्रीब्यूट मोर्टेलिटी भी होता है सेक्स रेशियो भी होता है स्पीसीज इंटरेक्शन इज नॉट

एटी थ्री का ऑप्शन होगा टू ओके okay? जिसमें कॉकलिया कौ, है कॉइल्ड पार्ट होता है लिब्रेन का तो ओके okay? बी का ही होगा थ्री है ट्यूब यूस्टेशियन ट्यूब यूस्टेशियन जो कि कनेक्ट करती है ईयर एंड फेरिंग्स को इट्स राइट और स्टेप्स स्टेप्स जो है ये अटैच होती है ओवल विंडो से ओके okay? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसमें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स पूछा है तो जिस तरीके से प्लांट्स में रुबिसको मोस्ट अबंडेंट होता है वैसे ही एनिमल्स uh, में कोलेजन सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है क्वेश्चन नंबर 85 मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस तो यहां पर आप देख सकते हो सिंपल प्रोफेज 1 के सारे स्टेजेस जिनकी बात यहां पर करी गई है जायगोटिन

अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में क्वेश्चन नंबर 86 सिक्स द ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी ये आपको मिलेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर इकोलॉजी का चैप्टर है ये और इसका सीधा ये डेटा है ऑप्शन थ्री सेवन मिलियन उन्होंने एस्टिमेट लगाया है ओवरी इज हाफ इन्फीरियर सेमी इन्फीरियर ओवरी ये भी आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है लम प्लम में सेमी इनफीरियर या हाफ इनफीरियर ओवरी मिलती है अगेन क्वेश्चन नंबर 88 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है पहला ऑप्शन है ग्लूकागॉन इज ए एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया ओके हाइपरग्लाइसीमिया होता तो ये करेक्टली मैच होता ऑप्शन तो ये एक रॉन्ग uh, स्टेटमेंट है इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स एज एंड एडिपोसाइट से तो इंसुलिन uh, फॉर्म होता है तो ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपर ग्लाइसीमिया ओके अगर स्टूडेंट ये हाइपर ग्लाइसीमिया की जगह हाइपो होता तो इत, ये राइट होता फिर है ग्लूकोकोटिकॉइड स्टूम ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि एक राइट right स्टेटमेंट है स्टूडेंट ग्लूको Uh, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सो आंसर होगा गटेशन को कहा जाता है फ्रॉम टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग ये लिटरली गटेशन की ही डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है और पूछा गया है कि कौन सा इसका पॉजिटिव एजेंट होगा किसकी वजह से ये हो रहा है तो हम जानते हैं ये पुशिंग प्रेशर वीक पुशिंग प्रेशर यानी कि रूट प्रेशर की वजह से ये होता है तो 89 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 जो कि एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट स्टेज दिस प्रोसेस अकर्स एट दोवर्सी यह है कि इसका पहला स्टेटमेंट जो पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो जीवन की तरफ इशारा कर रहा है एनसीआर ने ऐसा लिखा हुआ है कि करती है कि सेल सेल एग्जिट करती साइकिल से और जीवन में एंटर करती है ओनली बिकॉज इसमें लिखा गया है दिस प्रोसेस अकर्स एट दी एंड ऑफ इसका हिंट एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ है कि ये जीवन के एंड में जाएगी जी जीरो में या शुरुआत में जाएगी तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं यू विल हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की जीवन या एम मोस्ट ऑफली इसका आंसर जीवन होगा बिकॉज एनसीआर में ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है बट देर इज अ चांस की यहाँ पर एम फेज आंसर जाए कंक्लूड्स देशन ऑफ दिसकस्ड